आप ये समझिए कि न जाने कितनी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, चाहे सोरोस हो चाहे चाइना, इस कांग्रेस को मजबूत कर रही है। न जाने कितने अरबों करोड़ों इसे दिया जा रहा है और हमारे देश में अस्थिरता लाने के लिए कितनी अंतर्राष्ट्रीय साजिशें की जा रही है। मुझे कहते हैं ये तो हीरोइन है, हाँ तो इसमें क्या बुरी बात है? मुझे कहते हैं कि ये अपवित्र है। मैं इनको ये कहना चाहूंगी कि मैं आप लोगों की तरह ही हूं, मैं अपने माता पिता का नाम इस्तेमाल करके नहीं, अपनी योग्यता से अपनी जिंदगी में हर मुकाम पाया है। ये सेना बलों का भी अपमान करते हैं, ये कहते हैं कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हमने तो नहीं देखी। अरे क्या तुमको वहां लेके जाए क्या? हमारे सैनिकों को कहते हैं कि ये कायर है, ये गलवान वैली में मार खा के आए हैं, क्या मनोदशा होती होगी? कहां से आती है उनके दिमाग में ये बातें? सारा दिन इटालियन लोगों के साथ घूमकर इटालियन बोलते हैं, शायद उनका दिमाग ही भ्रष्ट हो चुका है। राहुल गांधी इटालियन होंगे, लेकिन हम लोगों को इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित करने की कोशिश सैम अंकल ना करे। आज वो मौका है जब सारा विश्व चाहे, उनकी अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा गई हैं, चरमरा गई हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर पर हुआ करती थी अब 5वें नंबर पर आई है। और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र कहता है कि इन अगले 5 सालों में हम तीसरी अर्थव्यवस्था होगी। तीसरी अर्थव्यवस्था होने का मतलब आप जानते हैं, अमेरिका, चाइना और भारत एक विश्व की बहुत बड़ी शक्ति बनकर निकल के आना। ये बहुत लोगों को बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है इस चीज से। तो आप कतई कांग्रेस को कमजोर मत समझिएगा, आप ये मत समझिएगा कि ये अंग्रेजों का बचा खुशा अंश है और अब पूरी तरह से पूरे भारत ने इसे नकार दिया है तो ये खत्म ही है। आप ये समझिए कि न जाने कितनी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, चाहे सोरोस हो चाहे चाइना, इस कांग्रेस को मजबूत कर रही है। न जाने कितने अरबों करोड़ों इसे दिया जा रहा है और हमारे देश में अस्थिरता लाने के लिए कितनी अंतर्राष्ट्रीय साजिशें की जा रही है। दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि कांग्रेस सिर्फ एक बची खुची जो है अंग्रेजों का अवशेष है, ऐसा कतई मत सोचिएगा। दोस्तों एक तरफ तो हमारी भारतीय जनता पार्टी है जिसके जो संस्कार और संस्कृति है वो किसी से छुपी नहीं है। हमारे जो नेतागण हैं, हमारे नड्डा जी जिन्होंने आज आकर हमें यहाँ बहुत ही उत्साहित और प्रोत्साहित किया है, आप सब जानते हैं एक सामान्य परिवार से आते हैं, जैसे कि मोदी जी एक सामान्य परिवार से आते हैं। वो बहुत ही संघर्ष कर इन्होंने ये पद प्राप्त किया है, कोई राजा रजवाड़ा से या किसी पारिवारिक विरासत से इन्हें पद नहीं मिला। और अब हम सब जानते हैं जब इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब सम्मान मिला था तो पूरे विश्व में हिमाचल का नाम क्या रोशन हुआ, और जब इन्होंने अपने कार्यकाल संभाले तो हिमाचल में एम्स से लेकर अटल टनल, ना जाने कितने वैश्विक स्तर के इन्होंने यहाँ पे योजनाएं लाई। आज अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, चाहे हम स्पेस रिसर्च की बात करते हैं, आज भारत जो है विश्व में सबसे विकसित देशों से कंधा मिलाकर चल रहा है, क्योंकि हमारा नारा है कि हम अपनी जेब नहीं भरते, हम जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं। मुझे कहते हैं ये तो हीरोइन है, हाँ तो इसमें क्या बुरी बात है? मुझे कहते हैं कि ये अपवित्र है। मैं इनको ये कहना चाहूंगी कि मैं आप लोगों की तरह ही हूं, मैं अपने माता पिता का नाम इस्तेमाल करके नहीं, अपनी योग्यता से अपनी जिंदगी में हर मुकाम पाया है। और शायद यही कारण रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सोचा होगा कि ये बेटी भी हमारे उन सामान्य गरीब परिवार से आती है और ये निश्चय ही गरीबों की सेवा में अपना जीवन लगा देगी, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने और नड्डा जी ने और हमारे सभी नेतृत्व ने लगाया है। हम राजा रजवाड़ों के परिवारों से नहीं आते हैं, हमने गरीबी पुस्तकों में नहीं पढ़ी है। दोस्तों ये 2024 का चुनाव हमें एक मुंह तोड़ जवाब देना होगा कांग्रेस पार्टी को, ना कि सिर्फ महिलाओं का,
ये सेना बलों का भी अपमान करते हैं। ये कहते हैं कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हमने तो नहीं देखी। अरे क्या तुमको वहां लेके जाए क्या? हमारे हमारे सैनिकों को कहते हैं कि ये कायर है, ये गलवान वैली में मार खा के आए हैं। क्या मनोदशा होती होगी उस माता की, क्योंकि आप जानते हैं ये तो वीर भूमि है, हिमाचल वीर भूमि है, जिसने अपना बेटा देश के लिए बलिदान दिया है, देश के लिए उसकी आहुति दी है। क्या उसकी मनोव्यथा होती होगी आप सोच सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेस की यही उसके रिवाज है, यही उनकी नीतियां हैं। इनके वित्त मंत्री ने एक बार कहा था कि ये बेकार और निठल्ले गरीब अनपढ़ गवार लोगों का देश है, ये मोबाइल क्या यूज करेंगे। आज इनको शर्म आती है जो विश्व में मैक्सिमम डिजिटाइजेशन हमारे भारत में होती है, डिजिटल ट्रांजैक्शन भी हमारे भारत में यूपीआई के सक्सेस से इनकी नाक कटनी चाहिए, लेकिन नहीं कटती है। क्योंकि बेशर्म लोगों की नाक नहीं कटती, वो लोग ढीठ होते हैं। और इसी का नजारा हमने कल देखा। कांग्रेस की ये नीति रही है कि भारत और भारतीयों का, महिलाओं का, किसानों का, सैनिकों का हमेशा अपमान करते हैं। कल उन्होंने हमारे सब भारतवासियों को जैसे कि गाली दी हो। उन्होंने कहा कि जो काले लगने वाले भारतवासी हैं वो अफ्रीकन की तरह लगते हैं, जिनकी बादामी आंखें होती हैं वो चाइनीज की तरह लगते हैं, और ऊपर जो नॉर्थ से आते हैं वो गोरे गोरों की तरह लगते हैं, और जो गुजरात या महाराष्ट्र बेल्ट से आते हैं वो तो अरब देशों के लोगों की तरह लगते हैं। क्या आप सोच सकते हैं ये घटिया और नीच सोच के क्या आधार है? हमारे देश में चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो, श्याम वर्ण के थे, उन्हें श्याम कहा जाता था, जिसका मतलब है कि जैसे काले रंग से भी जो काला रंग होता है उसे श्याम कहते हैं। और हमारे घर में आज भी कोई बच्चा पैदा होता है जिसका रंग काला होता है, उसका नाम श्याम रखा जाता है। हम अपने पूर्वजों की तरह लगते थे। द्रौपदी का रंग काला था, इसीलिए कृष्ण ने उसे अपना नाम दिया था, और वो भी उसे कृष्णा ही कहते थे। हम अफ्रीकन्स की तरह नहीं लगते, हम अपने पूर्वजों की तरह लगते हैं। जब अर्जुन मणिपुर गए थे तो उन्होंने वहां एक हिंदू राजकुमारी से शादी की थी जिसका नाम था चित्रांगदा। तो क्या उन्होंने किसी चाइनीज से शादी की थी? कहां से आती है उनके दिमाग में ये बातें? सारा दिन इटालियन लोगों के साथ घूमकर इटालियन बोलते हैं, शायद उनका दिमाग ही भ्रष्ट हो चुका है। राहुल गांधी इटालियन होंगे, लेकिन हम लोगों को इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित करने की कोशिश सैम अंकल ना करे। ये जो टुकड़ा सोच है ये भी कांग्रेस की ही सोच है दोस्तों। उन्होंने कभी इस देश को अखंडता से देखा ही नहीं, हमेशा टुकड़ों में ही देखा है। और शायद इसीलिए ये जो कांग्रेस सरकार है ये टुकड़े गैंग की एक सरकार बन चुकी है।